आई है, करीबन 42 से ज्यादा लोग मर गए हैं, क्या लगता है कि आपदा प्रबंधन में फेल हुई है सरकार क्या? नहीं देखिए, इस वक्त इस आपदा की घड़ी में हम सरकार के साथ हैं, उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, लेकिन जो सत्य है वो मिट नहीं सकता। आपने रेड अलर्ट प्रदेश में जारी किया, लेकिन समय रहते आपने डेंजर जोन के रिहायशी इलाकों से लोगों को इवैक्यूएट समय रहते हुए क्यों नहीं किया? आपने पुराने आपदा के घटनाक्रमों से जो भारी नुकसान इस प्रदेश में हुआ है उससे सबक क्यों नहीं लिया? हमारा और आपदाओं का तो चोली दामन का साथ है। ऐसे में आपने डबल इंजन की सरकार इसीलिए तो मांगी थी प्रदेश की जनता से कि आप यहाँ के लिए बेहतर टेक्नोलॉजिकल सिस्टम ला पाएंगे। कहाँ है डॉपलर रडार सिस्टम जो हमें भारी रेनफॉल के फोरकास्ट बता सके? वेदर फोरकास्ट ये पता चल चुका था कि प्रदेश में भारी वर्षा होने वाली है, फिर क्यों लोगों को खाली नहीं करवाया गया? मकान जमीन दोज हो गए, मजदूर सैकड़ों की संख्या में इस तरह से मलबे में दबे पड़े हैं, कई लोग अलापता चल रहे हैं। ऐसे में इसको प्रशासनिक हीला हवाली के सिवा और कुछ नहीं कहा जा सकता, और यह आंकड़ा बहुत कम हो सकता था यदि सरकार समय रहते मुस्तैद हो जाती। उससे कोई आशा आपकी नहीं जानी चाहिए, क्योंकि इन 4.5-5 सालों में एक नहीं सैकड़ों बार केंद्र के दिग्गज नेता यहां पर आए, लेकिन उत्तराखंड की झोली में क्या आया? उत्तराखंड ने तो प्यार विश्वास दिया, प्रचंड बहुमत दिया, डबल इंजन की क्या ट्रिपल इंजन की सरकार दी, लेकिन आप बार बार आते हैं यहाँ पर, बड़ी बड़ी घोषणाएं करते हैं, अपनी पार्टी की मजबूती की घोषणा करते हैं, पार्टी को सत्ता में वापस कैसे लाना है ये बातें आप अपने कार्यकर्ताओं को सिखलाई देके जाते हैं, लेकिन जनता जिससे लाभान्वित होगी? ग्रीन बोनस कहाँ है जो हम पूरे नॉर्दर्न इंडिया को एक ओजोन कवर देते हैं, ऑक्सीजन कवर देते हैं, उसके बदले हमें कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए। हमारा प्रदेश भौगोलिक विषमताओं वाला देश है, इसकी पहाड़ जैसी चुनौतियां हैं, और आपदाओं के साथ तो जैसा कि मैंने कहा हमारा चोली दामन का साथ है, आए दिन यहां आपदाएं आती रहती हैं। ऐसे में ना आप विशेष राज्य का दर्जा दे रहे हैं, ना आप औद्योगिक पैकेज दे रहे हैं, ना आप हमारे बेरोजगारों के लिए जो लगातार जो विकराल रूप बेरोजगारी ने लिया है उनके लिए कोई योजना या घोषणाएं कर रहे हैं। कृषियों हमारे किसानों के लिए, हमारे व्यापारियों के लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। हमें इतना नुकसान जीएसटी में और नोटबंदी के तहत हो रहा है, उसके लिए केंद्र सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो ये लोग सिर्फ आते हैं हेलीकॉप्टर में घूम के जायजा लेकर चले जाते हैं। अगर उत्तराखंड की जनता के लिए कुछ देना है तो निश्चित तौर पर इनका आना फायदेमंद हो सकता है, अदरवाइज गृहमंत्री आए या प्रधानमंत्री आए, अब उत्तराखंड की जनता को कोई उत्सुकता नहीं रहे। देखिए, मुआवजा देने की जो सरकार बात कर रही है, लोगों के घर के जलते दिए बुझे हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई का जिम्मा सरकार को उठाना चाहिए। जल्द से जल्द केंद्र सरकार के यहाँ पर नुमाइंदों को पहुँचकर पुनर्वास का और पुनर्निर्माण का कार्य शुरू करवाना चाहिए, और जो नुकसान हुआ है उसका आकलन लगाते हुए सही सही मुआवजा लोगों को देना चाहिए, क्योंकि 4 लाख से कोई पूरी ज़िंदगी नहीं अपनी गुजार सकता। ऐसे में ये जो दैवीय आपदाएं आती हैं ये पूरे के पूरे परिवार उजाड़ देती हैं, और उनके आने वाली पीढ़ियों का, उनके बच्चों का क्या होगा, इस तरफ भी सरकार को ध्यान देना होगा। परिजनों को नौकरी की बात देखनी होगी, और ये आकलन अब धीरे धीरे किया जाना चाहिए कि कितना नुकसान इस भारी वर्षा से हुआ, उसके अकॉर्डिंग ही मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए। इसमें जल्दबाजी करने की कोई बात नहीं है कि आप जल्दबाजी में 3 लाख कह दो या 4 लाख कह दो, जिसका जितना नुकसान हुआ है उस हिसाब से सरकार ने देखना चाहिए किस परिवार को क्या दिया जाए। मुझे लगता है कि सरकार को इस वक्त राहत कार्यों और बचाव कार्यों की तरफ ध्यान केंद्रित करना चाहिए। मुआवजे की जो घोषणा है वो जो नुकसान हुआ है उसकी व्यापकता देखते हुए उसके बाद ही मुआवजे की घोषणा करनी चाहिए, और 4 लाख तो बिल्कुल नाकाफी है। किसी परिवार का जीवन यापन 4 लाख में नहीं होता, उनके बच्चे हैं आगे पढ़ने वाले, उनके घर में बूढ़े माँ बाप हैं, ऐसे में 4 लाख रुपया देकर मुझे लगता है सरकार अपनी जिम्मेदारी से इतिश्री कर रही है। मिनिमम धनराशि जो होनी चाहिए 10 लाख होनी चाहिए। नहीं देखिए, हरक सिंह जी कुछ भी कह सकते हैं। हरक सिंह जी का आप राजनीतिक अगर जीवन देखेंगे
तो इतने सालों में अपने जनहित के कार्यों के लिए कम और अपनी हल्की बयानबाजियों के लिए हरक सिंह जी ज़्यादा चर्चाओं में रहे हैं, और इस तरह के जो बयान उनके रिसेंटली आए हैं उन पर तो मैं टिप्पणी करना भी बिलो स्टैंडर्ड समझती हूँ। और मैं सवाल पूछना चाहती हूँ हरक सिंह रावत जी से कि ठीक चुनाव से पहले कैसे एक भानुमति का पिटारा खुलता है और हरक सिंह जी के पिटारे में से एक के बाद एक खुलासे होते चले जाते हैं, और अब जो खुलासे हो रहे हैं वो तो इतने निचले दर्जे के खुलासे हो रहे हैं कि उनके घर की महिलाएँ खुद शर्मसार हो रही होंगी उनके बयानों को सुनकर। तो ऐसे में आप भले ही प्रीतम सिंह जी के लिए कुछ भी कहते रहें, हमें पूरा विश्वास है कि माननीय प्रीतम सिंह जी जो हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं उनकी निष्ठा और उनका समर्पण है कांग्रेस पार्टी, वो एक सच्चे सिपाही हैं कांग्रेस पार्टी के, इसलिए हरक सिंह जी के बयानों से बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। एक दोस्त होने के नाते अगर वो चाय पर बैठ गए और यहाँ के राजनीतिक घटनाक्रम पर चर्चा परिचर्चा कर ली तो मुझे नहीं लगता उसको बहुत ज़्यादा राजनीतिक चश्मे से देखे जाने की ज़रूरत है। अभी फिलहाल, हाँ फिलहाल आपदा को देखते हुए, उसकी व्यापकता को देखते हुए और लोगों के दुख परेशानी और उनके कष्ट पीड़ा को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ने एक संवेदनशील दल होने के नाते अपने सभी कार्यक्रम स्थगित कर दिए हैं, होल्ड पर डाल दिए हैं। अब सारे कार्यक्रमों की एक नए सिरे से तिथियाँ जारी होंगी और बहुत जल्द हम आपको अवगत कराएंगे।